छत्तीसगढ़ के इस भूमि में प्रवेश कब हुआ, ये धर्म गुरुओं का छत्तीसगढ़ में प्रवास कब हुआ, जैन धर्म में छत्तीसगढ़ में पहले मंदिर कब बने और उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी, हम अनुमान लगाते हैं कि 100 साल पहले आए, 150 साल पहले आए, और सारी किताबें यही लिखती है, सारे किताबों में यही अंश आता है, और हमारे समाज जानकारी में इतना ही बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे बाबा 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 के बाबा आए थे, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, मगर छत्तीसगढ़ के इतिहास को बारीकी से देखा जाए, छत्तीसगढ़ के उत्खनन से मिलने वाले जैन तीर्थांकरों मूर्तियों को यदि ढंग से देखा जाए, 9वीं सदी 10वीं सदी ग्रेनाइट की 50-52 इंच मूर्तियां ऋषभनाथ राम नाथ जी की मूर्ति थी, छत्तीसगढ़ के पूरा संसार में बोडा ब्लॉक के पकेला में मिलता है जमीन के अंदर से, तो आप कैसे मानते हैं कि 9वीं और 10वीं सदी में मूर्ति यदि है तो मंदिर रहा होगा, मंदिर यदि बना तो उसके मानने वाले होंगे, मंदिर रहा होगा तो हजारों की लाखों की संख्या में उस धर्म को अनुयायी होंगे, तभी तो मंदिर बना, ऐसे कहीं नहीं मंदिर बनता। ये बकेला का उदाहरण इसलिए देता हूं कि मैं उस जिले का हूं कवर्धा। दूसरा नागपुरा में जो पार्श्वनाथ की अद्भुत ग्रेनाइट की मूर्ति आप देखेंगे, आप सब गए होंगे, वो भी 9वीं 10वीं सदी की मूर्ति। जब छत्तीसगढ़ में प्राथमिक उत्खनन से ही तो शेरपुर बोले ले सरगुजा ले कहीं भी ले लें, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का मिलना इस बात का सबूत है कि हमारा जैन धर्म के मानने वाले उनका चौमासा छत्तीसगढ़ में हजारों साल पहले हुआ करता था और मानने वाले थे। इसका दौर आया, उस दौर में कहीं ना कहीं समाज अलग हो गया, विलुप्त हो गया, और उसके बाद फिर से आया। मगर ये सारी बात मैं एक बात को हमेशा कहता हूँ, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जिस स्थान में बकेला में ये मूर्ति मिली है, उस जगह का विकास हमने किया, वहां जाने के लिए पुल नहीं था, बदरिया का अब तो विशाल मंदिर बन रहा है, और उसके साथ ही साथ उस स्थान का महत्व है, उस जगह को लोग वहां से 1 किलोमीटर दूर सिली पचराही नाम का एक गांव, और सिली पचराही पचराही का मतलब होता है 5 रास्ते, 5 धर्म में स्थान वहां थे। चौमुंडा की 12 फीट की मूर्ति वहां तालाब के ऊपर मिली, अन्य धर्मों के अलग अलग कालखंड के मूर्तियां पचराही मिली, वहां बहुत बड़ा एक कमरे बना दिए, उसमें सारी मूर्तियों को सुरक्षित रखने का प्रयास भी सरकार कर रही है, पर्यटन विभाग कर रहा है, और एक कल्चर विकसित था उस पूरे क्षेत्र में, जो 5 अलग अलग धर्म और समाज के लोग विकास की कहानी को आज भी कह रहा है, उसका जगह का नाम ही है सिली पचराही, और वहां उत्खनन से आज भी मूर्तियां मिलती है, और रात को 12-12 बजे 2-2 बजे 3 बजे लोग चोरी से उस जगह का गड्ढा खोदते हैं, और जब गड्ढा खोदते हैं कुछ ना कुछ वहां मिल जाता है, सोना चांदी खंभा पीतल, यानी इतना विकसित कल्चर रहा होगा, आज भी खुदाई चल रही, इतनी मूर्तियां वहां से निकली है कि उसके कल्पना नहीं हो सकता, हाथी से भर भर के लोग ले गए। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और बैठे हैं बैठे हैं ऐसे समय में ज्यादा बोलना उचित नहीं, मतलब सुनने के लिए ही आया, मैं राजेश को पहले ही बोल दिया कि मैं बैठकर सुनूंगा, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कुछ मंच ऐसे होते हैं जहाँ बोलता बोलना ही उचित होता है, और ऐसे मुझे यहाँ बैठे हैं तो मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा कि मुझे आप सबने सम्मान दिया, और आज नहीं से लेकर राजनांदगांव की यात्रा और रायपुर यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से लेकर मुख्यमंत्री 15 साल ये सब हुआ, तो समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद और योगदान रहा है, ये मैं बात को मानता हूँ, इसको कहीं निकाल नहीं कर सकता, इसलिए
जी आज इस अवसर में आप सबका हृदय से आभार और पूरी वर्ग को प्रणाम। आप सभी ने जाना कि जैन समाज के विकास की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमें बता रहे थे कि जैन समाज के विकास की बहुत लंबी कहानी है और बहुत कल्चर इसका विकसित है। आप जैन समाज के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और मैं आपको सबको एक बात और बता दूं कि जब हमारी कल्पना जी अध्यक्ष थी 2016 और 17 के बीच, जब वो रायपुर आई थी तो वीना जी धर्मपत्नी रमन सिंह जी वीना जी ने पर्सनली उनको घर में बुलाया और उनका सम्मान किया। ये भी 13 महिला मंडल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब मेरा नम्र निवेदन, और मैं आज हमारे बीच में रमन सिंह जी उपस्थित है तो मैं उनसे एक प्रॉमिस जरूर चाहूंगी कि प्लीज जब भी 13 पंथ महिला मंडल की जरूरत हो तो हम सारी बहने एक बार हाथ उठा ले। हम सारी बहने कभी भी किसी भी काम के लिए हम तैयार हैं और आपसे भी एक प्रॉमिस चाहते हैं कि जब भी हमें शासन की जरूरत होगी और किसी भी कार्य पर आवश्यकता होगी तो हम निसंकोच आपके समक्ष आएंगे। यही भावना हम रखते हैं। और मैं मुनिश्री जी से कहना चाहूंगी कि भक्तों के संकट को जो हरता है, भक्तों के संकट को जो हरता है, मुनि सुधाकर नाम है, मुनि सुधाकर नाम है तेज संयम का। ध्यान दीजिए ना माननीय महोदय, तेज संयम का अनूठा भार चम चम करता है, ओज वाणी का विलक्षण सबके मन को हरता है। जी हाँ, ओज वाणी का विलक्षण सबके मन को हरता है, सिद्धियां तुम पर निछावर प्राण अर्पित करती है, हर एक पीड़ा को आप हरते हैं। फैला दो जिन शासन की सौरभ की धरती कदम पहुंचा दो। मेरा निवेदन मुनिश्री से थोड़ी सी बात है, जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम आए हुए अतिथि का सम्मान करते हैं तो मेरा अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, तो मेरा सर्वप्रथम हमारी अध्यक्षा नेहा जी जैन और सचिव मधु जी से मेरा निवेदन,